हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, और अगर आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया गया है तो आप उसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे। ओके, तो हियर वी हैव लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक सर्किट डायग्राम्स आप कैसे बनाओगे? लॉजिक सर्किट डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट बूलियन एक्सप्रेशंस। लॉजिक सर्किट डायग्राम का यूज़ किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक गेट्स, राइट। तो यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन को आप लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे कि आप कैसे लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हो, राइट। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है, राइट। तो सबसे पहला वर्क क्या है, आपको जितने भी बूलियन वेरिएबल्स हैं उनको लिखना है। तो मेरे पास एक बूलियन वेरिएबल है ए, राइट। एक मेरे पास हो गया बूलियन वेरिएबल बी, ओके, एंड एक मेरे पास हो गया सी, राइट। अब क्या करेंगे, हम इसको सब एक्सप्रेशन में डिवाइड कर देंगे ए बी, राइट। तो यहाँ पे ए बी क्या है मेरा, यहाँ पे इस ए और बी जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एंड गेट लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों के बीच में मैं अप्लाई कर दूंगी एंड गेट, राइट। ओके, यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में अप्लाई कर देंगे एंड गेट। तो ये आपका एंड गेट का सिंबल है, दिस इज़ योर एंड गेट, राइट। तो ये आपका क्या, ये जो आपका जो फर्स्ट था ए बी वो आ गया है ए बी, राइट। ओके, ये सब एक्सप्रेशन आ गया आपका। सेकेंड क्या है आपका, है जो सब एक्सप्रेशन है बी कॉम्प्लीमेंट सी, राइट। अब बी कॉम्प्लीमेंट सी के लिए क्या करूँगी मैं, बी के अंदर नॉट जो आपका है नॉट गेट अप्लाई करूंगी। ओके, मैंने यहाँ पे नॉट गेट का सिंबल बना दिया। तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे मेरा बी क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। आप इसको बी बार की हेल्प से भी लिख सकते हो या बी कॉम्प्लीमेंट साइन बना सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मेरा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो सी एज इट इज आएगा। और दोनों के बीच में कौन सा गेट है आपका, एंड गेट है, राइट। दोनों के बीच में है हमारा एंड गेट, राइट। तो यहाँ पे मेरा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया और यहाँ पे मेरा सी एज इट इज़ आ गया विदाउट एनी नॉट, ओके। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच में एंड गेट अप्लाई कर दिया, एंड गेट हो गया। तो अब मेरा ये सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया, कौन सा, बी कॉम्प्लीमेंट सी, ओके। ये मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब मैं अपने थर्ड एक्सप्रेशन के पास जाऊंगी, ठीक है। सब एक्सप्रेशन, नॉट एक्सप्रेशन, सब एक्सप्रेशन। हमने क्या किया, जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन था उसको सब एक्सप्रेशन में आपने डिवाइड कर लिया, ओके। तो अब हम सब एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और देन इन द एंड पूरे एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मेरा जो थर्ड सब एक्सप्रेशन है वो क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो सी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सी के अंदर नॉट गेट लगा देंगे, राइट। सी के अंदर नॉट गेट लगाएंगे हम ऐसे, हमने क्या किया, सी के अंदर यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया, सी के अंदर नॉट गेट लगा दिया, ओके। एंड ए कॉम्प्लीमेंट है तो हम ए के अंदर भी नॉट गेट लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने ए के अंदर भी नॉट गेट आपको लगाना है, ये ए भी ए के अंदर भी आपने नॉट गेट लगा दिया, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये क्या आपका हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड गेट है। एंड गेट के लिए आपने क्या लगाना है, एंड गेट लगाना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे एंड गेट लगा दिया, राइट। तो इसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो आपके पास ए बी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी आ गया एंड सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखो इन सब एक्सप्रेशन के बीच में कौन सा गेट यूज होगा, यहाँ पे आपका यूज होगा और गेट, प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे और गेट। तो सिंपली अब जितने भी आपका एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ है इन द एंड वो किससे ज्वाइन होंगे, वो ज्वाइन होंगे आपके और गेट से, राइट।
तो हम क्या करेंगे, और गेट का यहाँ पे सिंबल बनाएंगे, और गेट का सिंबल बना लेते हैं। तो ये आपका बन गया और गेट का सिंबल, राइट, दिस इज योर और गेट। ओके, तो ये आपका आ गया वाई। अब ये रिजल्ट क्या है आपका, वाई, और जो ये वाई है वो क्या है, वो ये एक्सप्रेशन है ए बी, ए बी राइट प्लस प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड देन प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। ओके, तो हमने क्या किया है, बूलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब ना हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, ये आपका क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बूलियन वेरिएबल को लिख लेंगे सिंपल। हमारे पास दो ही बूलियन वेरिएबल है इसके अंदर, ए एंड बी, राइट। ओके, अब सब एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो सब ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी कौन सा गेट यहाँ पे यूज होगा, और गेट यहाँ पे यूज होगा, तो मैंने यहाँ पे यूज किया ए बी यहाँ पे मेरा हो गया और गेट यूज, ठीक है, और गेट यूज हो गया, ठीक है। आप जब इसको नोटबुक में बनाओगे तो अच्छे से बनाओगे, राइट। यहाँ पे तो थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं बन रहा है, ए प्लस बी, तो ये अब मेरा क्या रिजल्ट आएगा इसका, ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी आ गया आपका। अब सेकंड एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ और मैं इसको अलग से भी बना सकती हूँ। यहाँ पे अगेन मैं ले लेती हूँ, चलो ए ले लिया मैंने और बी ले लिया, राइट, ए एंड देन बी। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूँगी, बी के अंदर नॉट गेट लगा दूंगी। ओके, और इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें प्लस निकालना है, मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे और गेट लगेगा आपका। ओके, ये आपने किया, यहाँ पे आपका ये और गेट लग गया, फाइन। और इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि बी में आपने क्या लगाया है, नॉट गेट लगाया है, राइट। अब देखो, आपने ये सब एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया, ये कर लिया, अब इनके बीच में क्या है, डॉट, डॉट किसका सिंबल है आपका, एंड गेट का, राइट। तो इन द एंड कौन सा गेट आप अप्लाई करोगे, आप एंड गेट अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये जाके कहाँ मिलेंगे, एंड गेट पे मिलेंगे, राइट। तो इन दोनों के बीच में आपने क्या अप्लाई करना है, आपने करना है एंड गेट को अप्लाई, ठीक है, या आपने एंड गेट, या फिर आप ऐसे करके बना, चलो कोई नहीं, ऐसे बना लिया आपने, एंड गेट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये आपका एंड गेट का सिंबल आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, राइट, एंड गेट। तो अब आपका रिजल्ट क्या आ गया, आपका रिजल्ट आ गया ए प्लस बी, ओके, डॉट, सॉरी, डॉट एंड ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ओके, इस बूलियन एक्सप्रेशन के लिए मैं दूसरे तरीके से भी लॉजिक सर्किट डायग्राम क्रिएट कर सकती थी, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ए, ठीक है, और बी, दो ही वेरिएबल लिए, राइट। यहाँ पे आपने फर्स्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे ए प्लस बी हम ले रहे हैं, ए प्लस बी, तो यहाँ पे गया मेरा ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स आपको यहाँ पे लगाना है और गेट, राइट, ये आपने और गेट लगा दिया, ये आपका और गेट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए प्लस बी, ये तो आपका सब एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, ए प्लस बी, राइट। अब सेकंड क्या है, ए प्लस बी नॉट, ठीक है, सॉरी, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए तो हमने यहाँ से ले लिया, ऐसे ले लेंगे ए, और B का हम क्या लगा देंगे, B के अंदर हम लगा देंगे नॉट वेरिएबल, नॉट गेट, नॉट वेरिएबल नहीं, नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, A को तो एज इट इज ले लिया,
और बी के अंदर आपने क्या किया है, नॉट गेट लगा दिया है, ये आपका बी। तो नॉट गेट लगाने के बाद क्या बन गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। ओके, अब इसके अंदर आपको क्या लगाना है, इसके अंदर आपको और गेट लगाना है, राइट। तो आपने जो बुलियन वेरिएबल ए एंड बी लिए, सिर्फ ए की बार लिए, ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। अब आपको क्या लगा देना है इनके साथ, एंड गेट, एंड गेट लगाना है, ठीक है, एंड गेट लगा देंगे, इन द एंड, इन द एंड आपने लगा दिया एंड गेट, दिया आपका आ गया एफ, एफ आपका क्या है, रिजल्ट, और रिजल्ट क्या आएगा आपका, दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक एक आपका, आपके पास मेथड ये था जहाँ पे मैंने ए बी एंड ए बी दो बार लिया, बुलियन वेरिएबल्स को ऐसे सॉल्व किया इसको, या फिर आप क्या करोगे, सिंपल ए बी जो बुलियन वेरिएबल है वन टाइम लो और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉजिक सर्किट देखेंगे। ओके, अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ओके, एंड ए प्लस डी, और ये पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम होता है वो हमें क्या करना होता है, बुलियन वेरिएबल्स को लिखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक है, और मेरे पास क्या है, बी है, राइट, और मेरे पास सी है, और मेरे पास डी है। सबसे पहले बुलियन वेरिएबल्स को लिखा, अब हम क्या करेंगे, उसके सब एक्सप्रेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए वेरिएबल में आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे नॉट गेट, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट। तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सेकेंड क्या है, बी, बी आपका एज इट इज़ है, देन सी आपका एज इट इज़ है। अब देखो इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है, राइट, इन तीनों के बीच में एंड गेट लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों के बीच में एंड गेट को अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया एंड गेट को अप्लाई, ये मेरा एंड गेट आ गया, ठीक है। तो आपका अभी क्या हो गया, आपका जो सब एक्सप्रेशन था, कौन सा वाला, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ये सॉल्व हो गया, राइट। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपका क्या दिया, ए प्लस डी, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट किया है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए प्लस डी बना लेते हैं, मतलब ए आपने ए लिया यहाँ से, ए राइट, एंड डी को लिया, और इन दोनों के बीच में कौन सा आपका गेट है, आपका है और गेट, राइट, और गेट है, तो हम और गेट लेंगे यहाँ पे, और गेट, और गेट आपने अप्लाई किया, तो ये आपका पास का कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी आ गया, राइट। अब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगा देंगे नॉट गेट, नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो इन, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था और सेकंड एक्सप्रेशन हम जो हमने जो सॉल्व किया है, उनके बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, उनके बीच में लगा हुआ है एंड गेट, राइट, मल्टीप्लीकेशन है, एंड गेट। तो इन द एंड हम क्या अप्लाई करेंगे, एंड गेट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया एंड गेट, और ये आपका रिजल्ट आ गया, आपका एक्स, एक्स क्या है आपका, दिस, दिस इज योर रिजल्ट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, बी सी एंड देन ए प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो दिस इज योर लॉजिक सर्किट डायग्राम। ओके, अब हम, हमारे पास क्या दिया हुआ है, लॉजिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, राइट। तो कैसे आप निकालोगे, देखो सबसे पहले आप वेरिएबल्स देखो, हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ओके, और इसके ऊपर कौन सा सर्किट, सॉरी कौन सा गेट अप्लाई किया गया है, इस पर अप्लाई किया गया है नैंड गेट, राइट,
ये किसका सिंबल, ये देखो ये आपका होता है एंड गेट का सिंबल, ये आपका एंड गेट का सिंबल है राइट, और ये आपका किसका सिंबल है, ये आपका है नैंड गेट का सिंबल राइट. तो जो आपका नैंड गेट होता है वो क्या करता है, एंड गेट के रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है, अपोजिट कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए बी, वैसे अगर एंड गेट अप्लाई करते तो क्या होता, ए डॉट बी आता, या फिर आप सिंपल ए बी लिख सकते हो. अब नैंड गेट अप्लाई किया गया है तो आपका क्या आएगा, ये ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, क्योंकि इसके रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है राइट. तो यहाँ तक के एक्सप्रेशन में आपका, इसके बाद इसका क्या आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब देखो नैंड गेट के बाद सिंपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी. ठीक है, और बी को आपने ज्वाइन किया ए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, आप किसको ज्वाइन कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, आप बी को प्लस कर रहे हो. तो यहाँ पे आपने और गेट लगाया है, तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या आएगा, यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन आएगा आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, क्योंकि यहाँ पे आपने और गेट का यूज किया है, ये क्या आएगा, प्लस बी राइट. तो जो आपका ये आपका सर्किट डायग्राम दिया गया है उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी. ओके, नाउ एक एग्जांपल और देखते हैं. अब यहाँ पे आपका दिया गया है बूलियन, आपको सर्किट डायग्राम दिया है, बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है. तो मेरे पास तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, और तीनों के साथ क्या अप्लाई किया आपने, आपने किया यहाँ पे एंड गेट को अप्लाई. तो यहाँ पे क्या आएगा इसका रिजल्ट, ए बी सी, ये रिजल्ट आ जाएगा एंड गेट अप्लाई करने के बाद. ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है राइट. ओके, अब हम जरा इधर देखते हैं, ये आपका फर्स्ट गेट हमने सॉल्व कर लिया. अब सेकेंड देखो, यहाँ पे ए एज इट इज आ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये आपने सी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, सी का कॉम्प्लीमेंट. और बी और सी के कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या किया है, और गेट को अप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट राइट. बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. अब देखो, और ये सिंपल ए एज इट इज आएगा. अब इन तीनों वेरिएबल के बीच में आपने क्या अप्लाई किया, एंड गेट अप्लाई किया है. तो आप इसको कैसे लिखोगे, जो एंड गेट का रिजल्ट है वो कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा ए. ठीक है, ए, क्योंकि ए और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट के बीच में आपने एंड गेट को अप्लाई किया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट राइट. ये आ गया आपका ए मल्टीप्लाइड विथ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. अब देखो यहाँ पे, अब एक हमारे पास एक्सप्रेशन ये निकल के आया, एक हमारे पास एक्सप्रेशन ये निकल के आया, और इन दोनों के बीच में आपने क्या अप्लाई किया है, और गेट अप्लाई किया है. तो जो आपकी कंप्लीट बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी. ठीक है, ए बी सी, ये वाला सब एक्सप्रेशन, ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर एक्सप्रेशन राइट. समझ में आ रहा है, फिर से लिख दूँ, ए बी सी राइट प्लस ए देन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो दिस इज योर बूलियन एक्सप्रेशन. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर बूलियन एक्सप्रेशन दिया है तो लॉजिक सर्किट आप क्रिएट कर सकते हो, और अगर लॉजिक सर्किट दिया है तो आप उसका बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो, मतलब लिख सकते हो. ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.